उत्तराखंड से बड़ी खबर मिली है। परिवहन निगम कर्मचारियों को अब 4% मकान किराया भत्ता मिलेगा। शासन ने इस संबंध में परिवहन निगम प्रबंधन को पत्र भेजा है, जिस पर निगम कर्मियों ने खुशी जताई है। शासन ने परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजकर कहा कि निगम कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला लिया गया था। इस पर निगम अपनी बोर्ड बैठक में फैसला कर बढ़ोतरी लागू करे। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने इस पर खुशी जताई है। इससे पहले महासंघ का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला था। सीएम धामी के निर्देशों के बाद ही यह आदेश जारी हुआ है। महासंघ के बीएस गोसाई, दिनेश रावत, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रेम सिंह रावत ने मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव का आभार जताया। इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन की सोमवार को प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें प्रांतीय अधिकारी जीतमणि पैन्योली की सिफारिश के बाद विकास शर्मा को गढ़वाल मंडल अध्यक्ष और डॉक्टर देवेंद्र फरसवाड़ को गढ़वाल मंडल महामंत्री चुना गया। प्रांतीय अध्यक्ष पैन्योली ने कहा कि प्रदेश भर में पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन तेज किया जाएगा।